नारद जी जब समाचार पाते हैं मेरी मैया तो बड़े भाव से नारद जी चल पड़ते हैं, और नारद जी जब चलते हैं तो बाबा मानस में लिखते हैं कि समाचार सब नारद पाए, समाचार सब नारद पाए। समाचार सब नारद पाए, कौतुक है गिर गए सिधाए। नारद जी को जब समाचार मिला कि मैया मैना के हाँ छोटी सी कन्या का प्रागट्य हुआ है, छोटी सी लाडो आई है, लली हुई है, बड़े मगन होकर के प्रसन्न होकर के चल दिए। और नारद जी जब चलते थे तो उनके मुख से एक ही शब्द निकलता था, क्या? नारायण शिव नारायण भजमन नारायण। केवल नारद से नहीं, नारद का मतलब मैंने बताया था ना, नारद जिसकी बात को भी रद्द देना, इसलिए हमें आपको भी सुबह शाम आठो पर नाम का गुणगान करें। नारद जी का जब आगमन हुआ तो बाबा मानस में लिखते हैं क्या कि तेरे राजी बड़े आदर करते हैं। अगर आप यहाँ कोई भी आ जाए बाहर से तो उसका सम्मान आदर करो। अगर आपके दरवाजे पे कोई भूखा व्यक्ति आ रहा है ना तो खुद मत आ राजगढ़ आदर की ना, पद पद मतलब पैरों को पखार करके चरणों की सेवा देते हुए एक ऊंचे आसन पे बैठाए, और आसन पे बैठा करके ना उनको टीका चंदन करने लगे। मेरी माताएं कान खोल के सुने, आपके यहाँ अगर साधु आ जाए, आपके घर पे संत या फिर विवाहित बेटी, तो सर्वप्रथम उसके चरणों को चरणोदक बना लो। ये करना कदापि नहीं भूलिए। राजा शैलराज जब आदर करके बैठाए ना तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, मैया मैना बड़ी मगन है। एक फार्मूला बता दे का मैया, आजकल के लोग साधु संत के पास जाएंगे तो इन्हें पूछेंगे बाबा कुछ ऐसा बताओ कि मुझे शिव की प्राप्ति हो जाए, ये नहीं पूछेंगे। सबसे पहले संतों के पास जाएंगे तो कहेंगे महाराज जी अभी हम अगर अपना मेरा घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, ले लेंगे हम तो आपको बुलाएंगे, अपना तो ये शरीर नहीं तो मकान कैसा। कई लोग कहते हैं गुरुदेव ये बताओ कि मालपनी कैसे ज्यादा आए घर वाला, मालपनी वहां तक चलेगा का? बोलो जी नहीं जाने वाला। इसलिए संत के पास जाओ, भगवत ऋषि के पास जाओ तो एक प्रार्थना करो, क्या? कि हे गुरुदेव किस प्रकार भगवत प्राप्ति हो, किस प्रकार राधा नाम जप किया जाए, किस प्रकार शंभू की भक्ति प्रदान। आज मैया मैना सबसे पहले भाग करके आई, और जब आई ना तो देव ऋषि नारद जी के पास अपनी पार्वती बिटिया पार्वती के हाथ को पकड़ के आई और कहने लगी नारद जी
थोड़ा सा मेरी बालिका की हस्त्र रेखा को देख करके बताओ कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी ने तो बहुत सारी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा, बड़ी सुंदर होंगी, गुणवान होंगी, संस्कारवान होंगी, मधुर होंगी, शीतलता का भंडार होंगी। लेकिन नारद जी बहुत सारे गुण, अच्छे गुण बताए, लेकिन तीन अवगुण बता दिए। कितने? तीन। नारद जी कहते हैं, माँ ये जो तुम्हारी लाली है ना, इसके जीवन में जो दूल्हा होगा वो नगन होगा। पहला क्या होगा? नगन होगा। दूसरा अमंगल होगा। और तीसरा जटिल होगा। वो नग्न रहेगा, कोई वस्त्र धारण नहीं करेगा। अमंगल होगा, जटिल मतलब बड़ी बड़ी जटाए होगी। मैया मैना ने जैसे सुनी ये बातों को सुन करके मैया मैना की आंखों में आंसू आ गए। पुला का शरीर भरे जल नैना, हाथों के रोए खड़े हो गए, आंखों में आंसू आ गए। मैया मैना गई नारद जी को घर के एक एकांत कमरे में। जब कभी बेटी का रिश्ता होता है, जो अगुआ होते हैं ना, जो शादी करवाता है, कोई बात पूछना रहता है या कहना रहता है तो उसे अकेले में कहते हैं ना। नारद जी को मैया मैना पकड़ के ले गई एक कमरे में और कहने लगी, नारद जी कुछ माल पानी ले लो, दुल्हावा बदल दो। नारद जी कहते मेरे खुले हो या नो पा करा हूं विवाह सुता के लायक घर होगा। पर मतलब दूल्हा होगा, कुल मतलब परिवार होगा, तभी विवाह करूंगी। करहूं विवाह तुता अनरूपा, मेरी लाडो के जैसे सुंदर रहेगा, संस्कारवान गुणवान रहेगा, तब करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। मेरी माताएं कान खोल करके सुनेगा, अगर बिटिया का पिता रिश्ता देखने जाता है ना, तो केवल देखता है गाड़ी है, बंगला है, लड़का बढ़िया है। लेकिन जो माँ होती है ना, पिता के आने के बाद पूछेगी, कहो सास कैसी है, कितने भाई हैं, जेठानी कैसी है, ननद की शादी हो गई कि नहीं, है ना। माँ अंदर से लेकर के बाहर तक का ध्यान रखती है। इसलिए मैया मैना कहती है, मेरी बिटिया के जैसे दूल्हा होगा तभी करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। और मैया मैना कहती है, नारद जी कान खोल करके सुन लो, नाता कन्या बर रहई कुमारी, कनत उमा मम प्राण सो प्यारी। मेरी बिटिया कुमारी भी नहीं रह जाएगी, ब्रह्मा ने कोई ना कोई दूल्हा बनाया होगा। कनत उमा मम प्राण सो प्यारी, ये मेरी बिटिया उमा है ना, मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इसलिए मैं अपने विवाह, बिटिया का विवाह वर, अच्छे वर के साथ करूंगी। अगर कोई अच्छा वर है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। अरे कोई उपाय तो होगा दूल्हा बढ़िया पाने के लिए। नारद जी कहते हैं, मौका बढ़िया है, मौका छोड़ा ना जाए। नारद जी मुस्कुरा करके कहते, माता जी एक उपाय है, अगर एक उपाय है आप कहो तो बता दिया जाए। मैया मैना कहती है, बताइए वो उपाय क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि शंभू सहज समरथ भगवाना, शंभू सहज
बिटिया पार्वती तपस्या करेगी किसी भोले बाबा की। अगर भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे तो बढ़िया वर मिल सकता है। अब पार्वती जी तो यही सोचती थी कि मुझे बाबा मिल जाए, मेरे स्वामी मिल जाए। पार्वती जी गदगद मगन हंस रही हैं। मैया मैना कहती है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करना का पड़ेगा कुछ। अगर शिव जी प्रसन्न हो जाए, माल पानी लगे तो लुटा दीजिए संतों में। अब शिव जी प्रसन्न हो जाए, मेरी बिटिया को अच्छा झूला मिल जाए। नारद जी मुस्कुरा करके कहने लगे, माता जी ऐसे वो औघड़ दानी प्रसन्न नहीं होता। अरे उसे धन की जरूरत नहीं हो तो खुद ये दानी में दानी औघड़ दानी है। बोली तो कैसे प्रसन्न होंगे शिव? तो बड़ा सुंदर साधक कहता है, भैया दो तो हमारे प्रभु ऐसे मिलने वाले नहीं है। मैया मैना ने कहा, बताओ कैसे मिलेंगे फिर? तो नारद जी कहते हैं कि जो तप करी कुमारी तुम्हारी। नारद जी कहते हैं यदि तुम्हारी कन्या तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। मैया मैना ने कहा तो नारद जी कहते क्या कि भाव ही में त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करेगी, पूजा पाठ व्रत तप नियम संयम का पालन, तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाव में की, तब जो उनके हथवा में रेखा पड़ी है ना, शायद कि मेरे बाबा मेट दे, मेट मतलब मिटा दे, भावे मेट सके त्रिपुरारी। मैया पार्वती गदगद प्रसन्न, क्यों? क्योंकि मुझे तपस्या करने को मिलेगा, तब जाकर के मेरे स्वामी मुझे मिलेंगे। जितना मैया पार्वती हंस रही हैं, उससे कई गुना मैया मैना रो रही है। क्यों रो रही है? मेरी छोटी सी बिटिया कैसे तपस्या करेगी? हाँ, एक निवेदन करना चाहेंगे। निवेदन क्या है मेरी मैया, पता है? कई लोग सोचते हैं कि कथा में जाने से हमको मिलेगा क्या, भजन करने से हमको मिलेगा क्या। कथा में जाने से वो कृपा कर देते हैं मेरे कृपालु जी का, आपको कभी अनुभव भी नहीं किए होंगे, पता है? आजकल का सिस्टम बहुत बदल चुका है। आजकल कोई पूजा पाठ में ध्यान नहीं देता है क्या? नहीं ध्यान देता है। तो आप कोई भी धुरंधर ऐसा हो जो जप तप पूजा पाठ ना करे, और उसके घर में डेली मांस का भक्षण हो, मदिरा का सेवन हो, उस घर में आपको पैसा तो मिलेगा, दूध पैसा, लेकिन कह दो चैन की नींद मिल जाए और शांति मिल जाए, तो कहीं भी एक दूसरे आप देख करके मुझे बताना, कहीं आप नहीं मिलेंगे आपको। हम कहते हैं थोड़ा खाओ लेकिन घर में शांति हो, खुशी हो, है ना, एकता हो। इसलिए भजन कीर्तन करोगे तभी। और घर में एक सदस्य ऐसा होता है, कई कोई भी घर में आप चले जाओ, केवल एक सदस्य ऐसा मिलेगा जो पूजा पाठ जप तप व्रत करता होगा। हर एक घर में एक ऐसा होगा, और वो पूरा घर एक के ही सहारे चलता है। जैसे उदाहरण, रिक्शा को चलाने वाला रिक्शा वाहन होता है ना, बोलो जी, रिक्शा को चलाने वाला रिक्शा वाहन होता है, एक ड्राइवर होता है, बाकी सारे पैसेंजर बैठे रहते हैं ना। उसी प्रकार घर को चलाने वाला एक होता है मुखिया, और उसी के माध्यम से पूरा घरवा चलता है, नहीं तो कौन नहीं चलने वाला है। महाराज, आपको पता है ये कथा जो आप श्रवण कर रहे हो, मेरी सामर्थ्यता नहीं थी कि मैं आकर के कथा कर लूं। और मुझे ये भी इतना पता है, मेरी जगह पे कोई और साधु आया होता है ना, तो अभी तक कब का वो एक दो तीन कर गया होता है।
लेकिन गुरु का कर्तव्य क्या होता है पता है? कईयों को तो लगता है कि ये तो आ रहे हैं, कथा कर रहे हैं, चलता है, लेकिन गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को सन्मार्ग तक पहुंचाना। जितनी माताएं कथा सुन रही है ना, अगर इनमें से एक का भी बच्चा वो काबिल बन गया कि आज जो मुझे अव्यवस्थाएं मिल रही हैं, गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर इन माताओं में से एक का भी बच्चा अच्छे पद को पा गया तो मुझे पता है कोई ना कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बच्चे को जन्म दी होगी कि आज जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कल वो खुद ही आकर के कहेगा गुरुदेव आपको जो हॉल बुक करना है आप बुक कर दीजिए एसी वाला, अब हम उस काबिल बन चुके हैं। इसलिए धरऊं धीर तो उतरऊं पारा, संतोषम परम सुखम, संतोष में ही भैया परम सुख है। और जितनी शांति से अभी आप हम कथा श्रवण कर पा रहे हैं और हम करवा पा रहे हैं, इतनी शांति से शायद कि बाहर हम कहीं जाएं तो नहीं सुन पाएंगे। सुन पाएंगे क्या? कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई बोल रहा है। इसलिए कर्म प्रधान, कर्म जो है वो प्रधान होता है, अपने कर्तव्य और कर्म को नहीं भूलना चाहिए। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है सदैव उसके जीवन में खुशी की अनुभूति करता है। अब इधर मैया मैना रोए जा रही है, पार्वती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के हाथ में छोटा सा डमरू लेकर के जंगल की ओर भागी। किधर? जंगल की ओर भागी। मैया मैना ने देखा कि मेरी लाडो भगी जा रही हाथ में डमरू लेकर के। मैया मैना ने कहा ऊ का मतलब उधर, माँ माँ का मतलब मत जाओ। तभी मेरी माँ का एक सुंदर नाम पड़ गया, बोली उमा महारानी की। तभी से हमारी पार्वती मैया का नाम पड़ गया क्या? उमा। मैया ने कहा ऊ का मतलब उधर, माँ का मतलब मत जाओ। क्यों? क्योंकि जंगलों में जानवर होंगे और तुम अभी छोटी हो, मत जाओ जंगल में। हमारी पार्वती जी डमरू लेकर के भागी और भाग करके जंगल की ओर जाने लगी। लोगों ने पूछा, रे पार्वती कहाँ भगी चली जा रही हो? छोटी सी नन्ही सी पार्वती 5 साल की उम्र में लोगों से कह रही कि मैं जा रही हूँ जप करने। क्या करने? जप करने। लोगों ने कहा इतनी छोटी सी अभी से तपस्या करने जा रही हो, काय के लिए तपस्या करोगी? पार्वती जी कहती हैं दूल्हा पाने के लिए। अब 5 साल की बेटी लाडो अगर कह दे कि हमें दूल्हा मिलेगा, मेरा विवाह करा दो, तो कितना अच्छा लगता है ना। जब बच्चे तोतली भाषा का प्रयोग करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। पार्वती जी कहती हैं कि मैं तपस्या करने जा रही हूँ। मैया ने कहा कि तपस्या करने के लिए क्यों जा रही हो, क्या पाओगी? तो पार्वती जी कहती हैं कि मैं दूल्हा पाऊंगी। क्या पाऊंगी? दूल्हा पाऊंगी। और देवी पार्वती जंगल की ओर गई और जा करके समाधि में बैठ जाती हैं और बैठ करके भगवान की पार्थिव लिंग की उपासना करके दोनों नेत्र बंद करके हाथ में वारों तो छोटों से डमरू लेकर के बजाती हैं, तपस्या में लीन हो जाती हैं। बाबा मानस में लिखते बड़ा सुंदर भाव क्या कि देवी पार्वती कैसी तपस्या कर रहे हैं। मैया उमा, देवी उमा तपस्या कर रही हैं, वो भी कैसी तपस्या? घनघोर तपस्या। किसकी तपस्या कर रही हैं? भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। अब थोड़ा माताएं ध्यान से सुनिएगा, भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही हैं। कैसी तपस्या? बहुत कठोर। बाबा मानस में लिखते हैं कि देवी उमा तपस्या में लीन हुई तो गोस्वामी बाबा मानस में दर्शन देते हैं कि बेली पाती मही परम